तो देखो भाई, दिख रहे हो पूरा डैमेज हो चुका है, ये दिख रहा है, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं मेरे पहले से ज़्यादा। मेरे दोस्तों को भी भाई पुलिस वाले ने गाली दिया, ये सब किया, लेकिन कोई कोई खुद से ही मानना चाह रहा है भाई। पर धन्नो को यहाँ पीछे पत्थर मारा था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग देख रहे रहेंगे आप, क्योंकि आजकल ब्लॉग नहीं बनाने को टाइम मिल रहा है, थोड़ा पर्सनल मैटर भी हो गया है इसकी वजह से। तो अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो, और जस्ट वीडियो भी बनाने को आना पड़ता तो भाई छुपा के आना पड़ता है, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं मेरे पहले से ज़्यादा, मतलब दुश्मन बोले तो बहुत ज़्यादा ही है हो गए। और फिलहाल में अभी मैं नौनावला में आया हूँ, और एक करवे फ्लावर करके यहाँ पे फ्लावर आए, तो उसी को दिखाने के लिए आप सभी को आया हूँ, और वीडियो के टाइटल और उसमें देख लेना, और उससे ही मैं आया हूँ। और फिलहाल में गाइस सबसे ज़्यादा मेरे दुश्मन बढ़ चुके हैं ये 2 या 3 साल में, मेरे यहाँ के ही लोग हैं, मतलब जो दुश्मनी कर रहे हैं मेरे से। मैं उनसे दुश्मनी नहीं करता हूँ, बट वो मेरे से जलते हैं भाई, मैं वीडियोस बनाता हूँ और यही सब करता हूँ, इसकी वजह से उन लोग जलते हैं। तो वो सोचते हैं कि मतलब उनके साथ मैं घूमूँ, उनके साथ भाईगिरी करूँ, या फिर उनके साथ झगड़े करूँ, तो भाई मुझे जमता नहीं है, इसलिए मैं करता नहीं उनके साथ झगड़े या फिर कुछ और। लेकिन वो खुद से बोलते हैं ना भाई कि कीचड़ खुद अपने ऊपर वो उछालने के लिए कर रहे हैं, मतलब वो कीचड़ में अपन पैर नहीं डाल रहे, लेकिन वो खुद मतलब बोल रहे कि आ जा मेरे ऊपर, आ जा आ जा, वैसे ही रहता है भाई। भाई मैं इतना बताता हूँ भाई, हमारे यहाँ की पुलिस सबसे बेकार है, मैं तो यही बोलूँगा भाई, सबसे बेकार है। आप पुलिस के पास कभी मत जाओ, अपना मैटर है तो आप, सच में बोल रहा हूँ भाई, आप खुद ही ख़त्म कर दो, या तो वो बंदे को ख़त्म कर दो, या तो आप खुद ख़त्म हो जाओ, लेकिन पुलिस के पास मत जाओ। हमारे यहाँ की मतलब पुलिस जो है अच्छी नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं अच्छी है भाई, वो मैटर बहुत बेकार है, मैं आपको बताऊँगा। मतलब ऐसे आराम से, अभी मेरे दो दोस्त जो रहते थे मेरे साथ वो भी नहीं है फिलहाल में मेरे साथ, इसलिए क्योंकि भाई उनको भी ख़तरा है, उनको भी कोई भी मार सकता है, इस वजह से जो मेरे साथ रहते हैं भाई उनको भी मार सकता है कोई भी, इसलिए मैं अकेले घूमता हूँ भाई, अकेले ही रहता हूँ। आपने देखा रहेगा हर वीडियोस में, या तो मेरे साथ एक दोस्त रहेंगे या दो दोस्त रहेंगे, इससे ज़्यादा कोई दोस्त नहीं रहेगा मेरा। और मैं ट्रिप से भी घूमता हूँ, ऐसा नहीं है, हम 3 जन भी घूमते, इसलिए घूमते हैं क्योंकि भाई अपने सेफ्टी के लिए मैं घूमता हूँ, और मेरे दोस्त लोग को भी लेके मैं इसलिए घूमता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में उन लोग की सेफ्टी मेरे हिसाब से मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना अकेले ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और आया हूँ मैं। तो मैंने बोला कि आप सभी को बता दूँ कि मेरे लाइफ में क्या चालू है अभी फ़िलहाल में। अभी लाइफ में भाई यही है कि मतलब कभी भी गेम हो सकता है, कभी भी तुम्हारा भाई ख़त्म हो सकता है, ऐसा ऐसा चालू है। कुछ लोग दुश्मन बन चुके हैं बहुत ज़्यादा ही, जो 3-4 साल से बोल रहा हूँ, ये 3-4 साल से मैटर चालू है एक बंदे के साथ, उसी के साथ, मतलब वो बंदा खुद मैटर अपने सर पे ले रहा है, खुद मोल ले रहा है हर मैटर में, उसे टांग अड़ाना बोलते हैं ना, टांग अड़ाना है। और भाई उसने यहाँ पर मेरे को कोयता भी मार दिया था, जस्ट यहाँ पर, यहाँ बैक पर मारा है, आपको मैं वीडियो भी दिखा दूँगा। वहाँ पर डाल दूँगा, उसने जस्ट मेरे को यहाँ पर पीछे कोयता मारा था, तुम्हारे भाई को मतलब गर्दन पे मारा था उसने, बट तुम्हारे भाई ने सर घुमा लिया था, तो जस्ट कोयता यहाँ पीछे लग गया था, सर पे लग गया था, कोयते का जो जो रहता ना यहाँ पे रहता ना, वो लग गया था, नोक बोलते ना नोक, वो यहाँ पर लग गया, बहुत शार्प था कोयता, जस्ट यहाँ से ऐसे करके लगा था। तो ये बाल है तो भाई दिख नहीं रहा है, और कोई है भी नहीं मेरे साथ अभी फ़िलहाल में, नौनावला में बोला हूँ मैंने यहाँ पर हूँ, अभी जा रहा हूँ फिर अम्बे वैली के साइड में, और ये करवे फ्लावर जो है आपको दिखाना है, तो इसलिए। तो भाई ज़िंदगी बहुत बेकार चल रही है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही जलते हैं मेरे से, जैसे ब्लॉग करता हूँ भाई, मैं कपड़े भी पहनूंगा ना, अगर ऐसे कपड़े भी पहन लेता हूँ ना, तो भाई उससे भी जल जाते हैं लोग। और भाई मेरे को जलन किसी से नहीं है, लेकिन लोग मुझसे जलते हैं खुद। और मेरा फ़ोन भी फूट चुका है, आप सभी को दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, फ़ोन पूरा डैमेज हो चुका है, बैक ग्लास उसका पूरा फूट चुका है, और फ्रंट से भी डैमेज हो चुका है, बस इतना है कि हाथ दिख रहा है, कैमरा जो है वो डैमेज नहीं हुआ है, बट बाकी पूरा फ़ोन खराब। फ़ोन भी प्लान बनाया था मैंने 20 तारीख को, गया गाइस हियर 16 सीरीज, एंड अभी लग रहा है कि इस बार खर्चा ज़्यादा होगा, और लगता है इस बार कर्जा भी ज़्यादा होगा था। और 21 तारीख को ही मेरा मैटर हो गया, और जो कोयते का बोल रहा हूँ, कोयते बंदे ने मेरे यहाँ पर कोयता डाल दिया, एक 20-25 लोग मेरे को मारने के लिए आए थे अकेले को, लेकिन भाई पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया उनको। हमारे यहाँ की पुलिस जो है, बोल रहा हूँ भाई, हमारे यहाँ की पुलिस सबसे ख़राब है, और सब मेरे पास मतलब विटनेस होते हुए भी, गवाह भी होते हुए, और सब वो उल्टा हम ही को डांट रहे, हम ही को बोल रहे। तो भाई मैं यही बोलूँगा भाई, पुलिस के पास मत जाओ, आप अकेले ही मैटर अपना सॉर्ट आउट कर लो, आप मार पाओ तो मार लो, और ना मार पाओ तो मत मारो। अगर पुलिस के पास जाना है तो भाई कुछ नहीं करेंगे, हमारे यहाँ की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, पिंपरी चिंचवड़ की पुलिस ऐसी है हमारी, क्यों कुछ नहीं करती है, वो ऐसे ही छोड़ देती है। यही मैं बोलूँगा भाई कि गुंडा कोई
बनता नहीं है, उन्हें बनाया जाता है, और ये पुलिस वाले ही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता है। और भाई काफ़ी पुलिस वाले को ये बुरा भी लगेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ कि ऐसा है वैसा है, उठा भी ले सकते हैं मुझे, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा भाई कि अच्छे नहीं है भाई बिल्कुल भी। आप जो है आप अपना खुद ही कर लो, मैटर शॉर्ट आउट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन पुलिस के पास मत जाओ। पुलिस के पास जाओगे आपको ही गाली देंगे, आपकी माँ बहन को ही गाली देंगे। भाई मेरे भाई को, मेरे दोस्त को जो मेरे साथ था उसको भी गाली दिया, उसकी भी माँ बहन को, मेरी भी माँ बहन को गाली दिया, और मेरे को तो मारा नहीं क्योंकि मेरे को चोट लगा हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त को काफ़ी ज़्यादा मारा था उन्होंने। और हम तीन दोस्त थे, तीन दोस्त का मैटर था, मतलब मेरा मैटर था और वो तीन दोस्त मेरे थे। वो मैटर भी मैं आपको बताऊंगा आराम से ऐसे कुछ ब्लॉक्स में धीरे धीरे करके, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ भाई तुम्हारे भाई पे अभी खतरा है जान का। कभी भी तुम्हारा भाई ऊपर जा सकता है, कोई भी मार सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और वो बंदा भी अगर वीडियो देख रहा रहेगा तो भाई मैं बोल रहा हूँ मार दे, अगर तुझे मारना है मैं अकेले रहूँगा। और भाई सामने से मारना, अगर जब भी मारे तो सामने से आके मारना, पीठ पीछे मत मारना। पीठ पीछे से तूने मारा था उस दिन कोई था, चल कोई नहीं, लेकिन अभी इस बार आएगा तो भाई सामने से आना, मैं भी सामने से आऊँगा, मैं भी अकेला आऊँगा, तू भी अकेले आना, जहाँ पर मारना रहेगा वहाँ पर खुद कॉल करके बुलाना, या तो फिर आ जाऊँगा मैं खुद। लेकिन भोसड़ी के मैं बोल रहा हूँ कि पीछे से मत मारना, कि मतलब तू आए 15-20 को लेके और मैं अकेला, 15-20 को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी अकेला एक बंदा, कोई बाहुबली तो है नहीं, या फिर कोई तो गन लेके नहीं चल रहा हूँ मैं कि मतलब ऑटोमेटिक गन है कि मैं सबको उड़ा दूँ। तो वही बोल रहा हूँ भाई, बहुत बेकार है हमारे यहाँ का हाल भाई, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा ऐसा मतलब मुझे रोने को आता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, कि मतलब मैं सब चीज़ों से निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग वहाँ पर ही मुझे खींच रहे कि भाई तू आ जा करके, बुरा लगता है भाई। पूरा पूरा बोल रहा हूँ भाई, फ़ोन पूरा डैमेज हो चुका है, बहुत बुरा डैमेज हो चुका है। अभी यहाँ पे धूप भी है बहुत, देख सकते धूप भी है, धूप लग रही है। और अभी मैंने ये लेके आया है मास्क और गॉगल, क्योंकि अभी थोड़ा दिन, एक 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, और अभी 21 का मैटर है मेरा, 21 सितंबर का है, और 20 सितंबर को मैं गया था आईफोन देखने के लिए, जब आईफोन आया था यहाँ पे हमारे यहाँ पर क्रोमा में और सब जगह आया था, तब देखने गया था, लेकिन भाई वो भी डैमेज हो गया भाई। बहुत ख़राब लोग हैं यार, कुछ कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा जलते हैं, मैं यही बोलूँगा, कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही जलते हैं मेरे से, मैं उनसे नहीं जलता लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जलते हैं, बस और कुछ नहीं। कभी भी मौत आ सकती है भाई, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन मौत भाई किसी के हाथों लिखी नहीं है, लेकिन कोई कोई खुद से ही मानना चाह रहा है भाई। देखेंगे जब जाएंगे जाएंगे भाई, लेकिन यही है कि पीछे से वार करके जाना मुझे पसंद नहीं है। और सामने से भी कोई भी वार करे तो समझ में आता है कि आप अगर कोई सामने से आ रहा है आपको मार रहा है और आप उसको मार रहे हो, उसमें अगर मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पीछे से आपको सिर्फ आके तुमको ही मार दिया तो उसे धोखेबाजी बोलते हैं भाई, धोखा करके मारना, बुरा लगता है भाई बहुत ज़्यादा। मतलब मैं रो नहीं रहा हूँ कैमरे के सामने, लेकिन लेकिन भाई बोल रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कोई आपको ऐसे मारता है। मेरे दोस्तों को भी भाई पुलिस वाले ने गाली दिया, ये सब किया भाई, 3 साल से 4 साल से मैटर चालू है, और मेरे पास FIR भी है, सब कुछ है, लेकिन वो पुलिस वाले जो है हमारे यहाँ के, वो मतलब ले नहीं रहे एक्शन उनके ऊपर, क्योंकि उनका भाई जो है, एक उसका भाई है जो बंदे का मैटर है मेरे साथ, उसका एक भाई है, वो पॉलिटिशियन के साथ रहता है, तो उसी की वजह से मैटर की वजह से वो पॉलिटिशियन का हेल्प लेता है, और फिर उसको पॉलिटिशियन छोड़ देते हैं। मतलब उसको पॉलिटिशियन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स का वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का देखता है, कुछ बच्चे जमा हुआ, कुछ रैली रही तो रैली रहती ना रैली, उसमें लेके जाते हैं बच्चे, तो वो ऐसे ही करता है, उन लोग को सपोर्ट करता है, तो पॉलिटिशियन उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते, कुछ मैटर हुआ तो उसके भाई के लिए वो सपोर्ट कर देते, यही है। मतलब पॉलिटिक्स सबसे बड़ा भाई है बोलते हैं ना, वैसे ही है हमारे यहाँ, पॉलिटिशियन भी ख़राब है और पॉलिटिक्स वाले भी ख़राब है, अच्छे नहीं है वो, खुद ही गुंडे बनाते हैं। काफ़ी पॉलिटिशियन को बुरा भी लगेगा, लेकिन काफ़ी पॉलिटिशियन अच्छे भी है और काफ़ी बुरे भी है, और काफ़ी लोगों को बुरा भी लगेगा मेरी बात, और मैं यही बोल रहा हूँ भाई, जान का भाई खतरा है अपने भाई, तुम्हारे भाई को, मतलब कभी भी मर सकता है, कभी भी जी सकता है, कुछ भी नहीं भरोसा है। मतलब मैं अकेले, मतलब ब्लॉग बनाने के लिए भी भाई मुझे घर से छुपके, बोलते हैं ना भाई, छुपके से निकलना पड़ता है, इसलिए कि कोई भी भाई कहीं से भी पीछे से डाल सकता है, आगे से तो नहीं डाल सकता भाई, क्योंकि आगे से देख लूँगा तो फिर मैं भी उसको डाल दूंगा, लेकिन ये है कि पीछे से कोई भी डाल सकता है, बुरी लाइफ है भाई। चलो आगे आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगा मैं, और अभी चलते हैं, फ़िलहाल मैं आपको कर्बी फ्लावर दिखाते, एम्बे वैली के साइड में ही है, अभी नौनावाला में मैं जस्ट पहुँचा हूँ,
अभी जस्ट बूशी डैम क्रॉस करके आया हूँ, और ये रोड दिख रहा रहेगा आपको, ये जो रोड है ये रोड है। अभी यहाँ से ही पकड़ के जा करना है टाइगर पॉइंट के साइड, फिर टाइगर पॉइंट से अम्बे वैली के साइड जाना है सीधा। और अपनी धन्नो भाई, अपनी धन्नो को भी लगाता है भाई, अपनी धन्नो को देखो, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दिख रहा है प्लास्टिक, ये यहाँ पर रहता है घुसा, लेकिन यहाँ से ये निकल गया था यहाँ। और यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है ये, हाँ यहाँ पर ये पत्थर मारा था। और ये तो स्क्रैचेस पहले से थे, उसको तो मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये स्क्रैचेस उस दिन पहुँचे भाई, जिस दिन मैटर हुआ है। ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ये टूट गया है। यहाँ पर भी स्क्रैचेस, ये पत्थर मार दिए थे भाई यहाँ पर धन्नो को। लेकिन ये है भाई, धन्नो को मारा है तो समझो वो उसने मेरे को मारा है। बदला तो भाई कहीं जाएगा नहीं, बदला तो एक दिन ज़रूर लिया जाएगा। और मेरा फ़ोन जो फूट गया है, दिखाता हूँ भाई, ये लेंस दिख रहा है, एक मिनट, हाँ ये दिख रहा है पूरा लेंस साइड से फूट गया है। अभी मैं यहाँ पर माइक लगाया हूँ ना, अपना एक माइक लगाया हूँ, दिख रहा रहेगा आपको ये। तो अभी माइक और कवर निकाल के आपको दिखाता हूँ, काफ़ी पसीना हो गया भाई। तो देखो भाई, दिख रहे हो पूरा डैमेज हो चुका है, ये दिख रहा है जहाँ पे मैक से अपना चार्जर लगता है, पूरा बैक ग्लास डैमेज हो चुका है भाई। 2 साल पापा से मैंने कैसे कैसे, मतलब मेरे फादर से मैंने बोला भाई मुझे फ़ोन चाहिए और ये ब्लॉगिंग के लिए। उनको नहीं समझ में आता भाई, वो पहले के वो है, मतलब पहले के 90s के, तो उनको नहीं समझ में आता भाई। उनसे 2 साल मैंने ये फ़ोन के लिए जिद किया था भाई, वो 2 कैमरे वाला उनको पसंद नहीं था। और उसके बाद भाई गाइस, ये है फ्लावर, कर्वी फ्लावर जो दिख रहा है, हाँ ये वाला भाई, छोटे छोटे है। और लोग को देखोगे तो भाई ऐसे लग रहा है, मतलब ये आसाम साइड में रहता ना, चाय पत्ती की खेती करते हैं वैसे लग रहा है, मतलब चाय पत्ती की खेती करने आए। देख रहे हो दूर दूर तक, और सारे ये सब रील बनाने के लिए आए, और सारे जितने सब देख रहे हैं वो सब रील से आके देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ी लगी है भाई, मुझे भी वीडियो बनाना है अपने धन्नों के साथ, लेकिन कहाँ पर बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पे पत्थर है ना बड़े बड़े, जिस वजह से कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल रही है। देखते अभी बनाएंगे। सो गाइस, अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और भाई मैंने ये बांध लिया इसलिए क्योंकि भाई बहुत धूप लग रहा है, गॉगल लगा लिया है, जम नहीं रहा है भाई। काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिर गया था उस दिन, जिस दिन कुत्ता लगा था, आपको दिखाऊंगा वीडियो में, आप देख लेना। और उसके बाद ब्लड भी निकाला था फॉरेंसिक रहता ना उसके लिए। एंड जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने देते, जब तक से चल रही है तब तक से चलने देंगे, एक ना एक दिन तो मर रही हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ इन कुत्तों के मौत मरने से अच्छा, मतलब ये जो कुत्ते मार रहे भोंक रहे, वो नॉर्मल रहता ना भाई, चलते फिरते मर जाते वो इंसान अच्छा रहता है, लेकिन ये कुत्ते जो भोंकते उनसे थोड़ा वो लगता है, और कुछ नहीं है। और देखना ये देखना फ्लावर्स दिख रहा है, अभी काफ़ी आए नहीं है पौधों में, और टोटल 7 साल में आते हैं, मतलब ये इस 7 साल में, ये दिख रहा है, हाँ ये देखना, ये सिनेमैटिक्स में ले रहा हूँ ना, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है, ये देखना ये और से दूर दूर तक पूरे फ्लावर्स से भाई, माउंटेन दिख रहा है, वो माउंटेन के ऊपर भी है। और ऐसे कुछ कुछ जगहों पे, मतलब ऐसे ऐसे जैसे दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करके आए कुछ कुछ जगहों पर, और कुछ कुछ जगहों पर ज़्यादा है। एंड अभी ऊपर चलता हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ अच्छे से, दिख रहा है ऐसे दूर तक तो फैले हुए, मतलब पूरा बागीचा बन चुका है ये। और एक बंदा वहाँ पर तो स्टंट दिखा रहा है भाई, सही है सही है, ये देखो भाई लोग काफ़ी है, ऐसे लग रहा है चाय पत्ती की खेती, बोला हूँ ना मैंने आसाम में चाय पत्ती की खेती करते, जस्ट सेम वैसे ही लग रहा है, मुझे लग रहा है आसाम में आया हूँ चाय पत्ती की खेती देखने, क्योंकि चाय पत्ती की खेती ऐसी रहती है। एंड देखना भाई, सारे लोग इसी को देखने आए हैं। और जस्ट एम्बे वैली इधर से वो रोड है, वो रोड दिख रहा है, कार जा रही है, ये देखना, हाँ हाँ ये कार जा रही है, 8 किलोमीटर एम्बे वैली है आगे माउंटेन के इधर, एम्बे वैली है। और इधर से तामिनी घाट भी जा सकते हैं, तो कोई कोई तामिनी घाट से भी आ रहा है,
और कोई कोई नौनावला से आ रहा है, नौनावला में आना, नौनावला से टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट से जो सीधा रास्ता अम्बे वैली की तरफ आता है उधर से आ सकते हो आप भी अगर कोई आ रहा है भाई बाहर से तो। और बड़े सुंदर यार मुझे लग रहा ही जाता है ऐसे बट है, और इसमें तो नहीं आया कि किसी किसी में नहीं आया और किसी किसी में आ गए देखना। एंड मुझे वीडियो शूट करना था यार बट मेरे साथ कोई दोस्त नहीं आया, दोस्त लोग जो थे मैंने उसको उनको बोला कि भाई मेरे साथ कुछ दिनों के लिए ना ही रहो तो सही है, क्यों किसी का खामा खा मौत बोलते हैं ना मौत का जिम्मेदार बनना, कोई किसी ने उन्होंने उनको कुछ हो गया तो फिर मैं उनका ज़िम्मेदार बन जाऊँगा ऐसा है, इसलिए मैंने बोला भाई तुम दूर ही रहो कुछ दिनों के लिए, दोस्ती यारी तो चलती रहती है हमारी। एंड भाई यहाँ पे छोटे वाले भी बहुत सुंदर दिख रहे यार, ये सुंदर वाले ये दिख रहे छोटे छोटे, ये भी बड़े सुंदर है भाई, ये देखना भाई फोकस ना सिनेमैटिक्स में ऐसे ही रहता है, गड़बड़ रहता है, मुझे अभी लगता है 16 लेना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार भी जलने वाले भाई 16 ले लिया ना उसमें भी जल जाएंगे लोग, सही है सही है, लेकिन लेंगे भाई 16 भी, बिना 16 लिए मानेंगे नहीं हम, 16 क्या 17 भी लेंगे। एंड अभी देखता हूँ कहीं पर ढूंढ रहा हूँ भाई अच्छी सी प्लेस जहाँ पे मैं वीडियो बना लूँ अपना एक मस्त सा मस्त मस्त सा। भाई यहाँ पे पापा की परिया ना भाई, पापा की परिया भाई ऐसे हाथ शाहरुख खान वाला फैला के वीडियो बना रही है, मज़ा उनका ही है भाई, अंदर से पूरा पसीना पसीना हो गया मेरे, अंदर से पूरा पसीना पसीना हो गया सही में, देखना ये देखना यहाँ पर थोड़े भाई ऐसे पूरे अगर ये ऐसे मतलब फैल जाते ना यहाँ पर भी जो सूखे सूखे भाई बहुत ही मज़ा आता, लेकिन वैसे नहीं है कहीं थोड़े कहीं थोड़े कहीं थोड़े ऐसे करके हर जगह थोड़े 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 थे थोड़े थोड़े ज़्यादा नहीं है मतलब एक ही जगह पे मतलब बहुत सारे ऐसे नहीं है देखना। मस्त मस्त है यार मज़ा आ रहा है, यही ज़िंदगी का मज़ा, मैं उन लोग को ही बोलता भाई तुम भी उठाओ, इसी वजह से लोग जलते हैं भाई, ऐसे हम घूमते ट्रैवल करते तो आदमी लोग की जलती है कि भाई मैं भिखारी हूँ तो ये भिखारी क्यों नहीं है, भाई मैं खुद बोल रहा हूँ तुम भी भिखारी मत बनो, तुम भी ऐसे घूमो पैसे कमाओ घूमो ज़िंदगी जियो, लेकिन उनको यही है कि नहीं उन्हें तो डॉन बनना है, डॉन बनेंगे तो भाई डॉन को रॉन्ग भी करने वाला आप उन्हें करवाएंगे, आप सभी का सिर्फ सपोर्ट चाहिए बाकी कुछ नहीं, बाकी तो तुम्हारा भाई खुद संभाल लेगा। बहुत पसीना आ रहा है यार सही में भाई, ये फ्लावर फेस्टिवल जो है यहाँ पर ये 7 साल में एक बार आता है और काफ़ी अच्छा है भाई, देखोगे तो काफ़ी अच्छा है भाई, दूर दूर तक तो सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर है, सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर, ये देख रहे हो यही वाले और काफ़ी दूर दूर तक है भाई, सबका यही चालू है फोटोग्राफी यही सबका चालू है और कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा धूप है अभी, मेरे हिसाब से सुबह आना चाहिए था लेकिन सुबह भी भाई मेरे लिए सही नहीं है निकलना घर से, इस वजह से जब पब्लिक रहेगी तभी निकल सकता हूँ, चलो चलता हूँ अभी धीरे धीरे निकलना अभी घर पे फिर से, क्योंकि घर वाले टेंशन में रहते, मम्मी पापा सब टेंशन में रहते, उनको सबसे ज़्यादा फिक्र है मेरी, और किसी को रहे या ना रहे उनको सबसे ज़्यादा फिक्र है, तो इसलिए मुझे भी उनकी फिक्र है इसलिए मैं अभी घर पर निकल रहा हूँ। एंड फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि धूप भी है और फ़ोन का ग्लास भी बैक डैमेज हो चुका है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ही मतलब वो है हीट हो रहा है। एंड अभी चल रहे हैं भाई दूर दूर तक सिर्फ फ्लावर ही, हाँ सिर्फ फ्लावर है, अगर आ रहे हो तो आओ भाई काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छा है। सो गाइस अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ यहीं पे ब्लॉग को एंड, और आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया हो, और क्या हुआ है और जो प्रॉब्लम है मतलब जो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है मैं वो आपको सभी को जल्दी से जल्दी बताऊँगा, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग मैटर का हुआ है और कहाँ पे एंडिंग हो रहा है अभी फ़िलहाल में और क्या चल रहा है क्या नहीं, बस यही समझ लो कि भाई का तुम्हारे
कभी भी मतलब ऐसे गेम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो भाई आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी रहोगे मेरे साथ, खड़े रहोगे, तो आई होप मतलब मैं बच सकता हूँ या नहीं बच सकता कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन आप सभी खड़े रहो मेरे साथ। एंड अभी क्या बोलूँ यार, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई। मेरी आँखें पूरी मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, आँख भर आती है, लेकिन रोने को बोलते ना एक वीडियो में किसी को रो के दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते, जैसा है वैसा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते लाइफ को, और जितना दिन लाइफ इंजॉय कर पाते उतना दिन इंजॉय करते, एंड जितने दिन नहीं कर पाएंगे उसके बाद तो टिकट तो है ऊपर का। बहुत बेकार लाइफ है यार, बहुत बेकार। ये दिख रहा है ना, ये नस दिख रही है, ये नस यहाँ की नस भी है भाई, यहाँ की भी नस दिख रही है। बुलेट राजा लोग, एंड अपने धन्नों को देख रहे हो। हाँ अभी थोड़ा फूल, गर्लफ्रेंड को फूल नहीं दे सकता तो भाई धन्नों को ही दे दूँ अपने। मस्त लग रही है ना, अभी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहा था इसके लिए, और मस्त मस्त है। और यहाँ पे भी ये भी फ्लावर है भाई, ये ग्रीन वाले जो है ना, ये भी फ्लावर है, येल्लो वाले, ग्रीन वाले बोल रहा हूँ भाई, येल्लो वाले, ये भी बहुत मस्त मस्त है। एंड भाई फ़ोन तो पूरा फूट ही गया है, पूरा फ़ोन फूट गया है, बहुत डैमेज हो चुका है। चलो ब्लॉग को करता हूँ एंड, और आप सभी को ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।